In your lesson, microorganisms, friends and foe, इसमें हमने काफी कुछ पढ़ा है. Now we are going to learn about cleaning the environment. Cleaning the environment, microorganism कैसे help करते हैं to clean the environment. Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure. Manure का मतलब होता है खाद. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. आसपास के घरों से वेजिटेबल प्लांट्स और फ्रूट्स के जो वेस्ट होते हैं वो उन्होंने कलेक्ट किए. दे पुट देम इन अ पिट मेड फॉर वेस्ट डिस्पोजल. एक उसमें डाल दिए, पिट में डाल दिए, गड्ढे में, जो कि वेस्ट डिस्पोजल के लिए बनाया गया है. आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर. कुछ समय के बाद इट डिकम्पोज हो जाता है, मतलब सड़ जाता है और कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर के रूप में. बूझो इन पहली वॉन्टेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड. ये दोनों बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ. फॉर दिस वी विल डू एन एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 2.5. टेक टू पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल. मार्क ए एंड बी. पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलिथिन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी. पुट द पॉट्स असाइड. ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 weeks. आपकी कचरा गाड़ी भी आती है, गीला कचरा, सूखा कचरा. गीला कचरा में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता जाता है, जो आपके किचन वेस्ट होता है. आप उसको डाल दीजिए एक पिट में और दूसरे पिट में आप पॉलिथीन बैग्स, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब डाल दीजिए. क्या होगा आखिर 3 to 4 weeks के बाद? डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन कंटेंट ऑफ द टू पॉट्स? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज्ड. How did this happen? ये क्यों होता है, कैसे हुआ? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. जो microorganisms हैं, microbes हैं, उनके action से जो plant waste है वो manure में convert हो गया, खाद बन गया. The nutrients released in the process can be used by the plants again. और जो nutrients बने उसको plants वापस use कर लेते हैं. Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles and broken toys parts did not undergo any such change. यहां पर हम पॉट बी में देखते हैं कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. The microbes could not act on them and convert them into manure. Microbes का उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है. You often see large amounts of dead organic matter in form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time. आपने कई बार देखा होगा कई प्लांट्स, कई एनिमल्स भी जो डेड हो जाते हैं वो जमीन पे पड़े रहते हैं, मिट्टी में या कहीं पर भी, और कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन डेड एनिमल्स और ऑर्गेनिक वेस्ट पर, जो प्लांट्स होते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और सिंपल सब्सटेंस बना देते हैं. दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं ये दोबारा प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज हो जाते हैं. दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरमेंट. इस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को डिग्रेड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और इस तरीके से एनवायरमेंट को क्लीन करने में हमारी मदद करते हैं. ये तो बात हुई उन माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो हमारे लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है. एट द सेम टाइम देयर आर सम माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच आर वेरी हार्मफुल.